सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? राम राम, अस्सलाम वालेकुम, जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी लोग? भाई घर में सब ठीक ठाक? वीडियो बहुत अच्छा जा रहे हैं और थैंक यू वेरी मच, आप फीडबैक भी दे रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं और भाई व्यू मिलना चालू हो गए। आप सबसे पहले एक काम क्यों नहीं करते, आप वीडियो को ना अनसब्सक्राइब कर दो यार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्यों साहिब भाई, सही कह रहे हो कि नहीं? बराबर, अनसब्सक्राइब कर दो, उसके बाद में फिर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यार गजब बूट सिक्वेंस के वीडियो डालने वाला हूँ, आपको लगेगा मजा आ जाएगा घर बैठे, और उसको लगेगा ना और उससे ज्यादा क्या सीख सकते हैं, तो क्लास आना भाई। क्लास आइएगा कि नहीं आइएगा, है ना? तो हमारी इस मंथ की क्लास तो फुल हो चुकी है, अब हमारा जो भी है अगले मंथ का है। सो अगले मंथ की क्लास के लिए आप हमारे को नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, फेसबुक में हमारी लाइव देखिए क्लासेस, और कल हमारा ड्यूल डेकर का दिन है, उसमें आइए और देखिए कि कैसे स्टूडेंट इतने सारे ड्यूल डेकर करते हैं। सर आप लाइव लेके आने वाले हैं ड्यूल डेकर की क्लास? बिल्कुल, और उसके साथ में दो बड़े लोग भी आएंगे हमारे यहाँ, और वो यूट्यूबर नहीं है, वो इस फील्ड के नामी लोग हैं और अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम। सर आपने बहुत डेप्थ में डाल दिया आपके इंस्टीट्यूट को, आप पीसीबी वाले दो दो बड़े बड़े इंडिया के बड़े बड़े कंटेनर को दे रहे हो, आप उसका कंटेंट डाल रहे हो, उसके पास क्या सामान है वो डाल रहे हो, बड़े बड़े टूल वालों को भी इंक्लूड कर रहे हो उसके अंदर, और बढ़िया जो इस फील्ड से नॉलेज करते रखते हैं प्रमोशन के लिए आप उनको भी बुलाते हो आप। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें होने वाली हैं और आप देखेंगे अभी आने वाले समय में और बहुत सी नई नई चीजें आपको तो देखने मिलेंगी। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दो चैनल और है उनको सब्सक्राइब कर लेना, एक एशिया टेलीकॉम जो हमारा मेन ऑफिशियल चैनल है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, नीचे लिंक है, और दूसरा मनी रत्न जो मेरा पर्सनल ब्लॉग है उसको सब्सक्राइब कर देना, छोटे छोटे वीडियो है उसमें डालता रहता हूँ। लगभग सर आपका वीडियो कब तक आ जाएगा पावर बूट सिक्वेंस का? वो आ जाएगा ये मान के चलो 25 तारीख से पहले आ जाएगा। 25 तारीख से पहले? हाँ 25 तारीख से पहले आ जाएगा, क्योंकि 23 तारीख तक तो क्लासेस चल रही है, उसके बाद 24-25 को थोड़ा सा फ्री रहेंगे तो उसमें हम डाल देंगे उसको वीडियो, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, बट आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि वो बूट सिक्वेंस एक हिडन है लोगों के लिए। बहुत से टीचर को तो नॉलेज ही नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ाते हुए देखा है, और स्कीमेटिक की बात करूं तेरे को सिर्फ स्कीमेटिक पे मत जाओ, आप ये सोचो कि अगर मैं सिर्फ स्कीमेटिक में आपको इतना नॉलेज दूं कि एक पावर बूट सिक्वेंस को मैं 3 दिन तक समझाऊं तो आपको हैंड स्किल कुछ ना आए तो भी आप जीरो, और सिर्फ हैंड स्किल करते रहो और डायग्राम नहीं आए तो भी जीरो, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो आप ये समझो कि आपने एक किसी भी इंस्टीट्यूट में, मुझे ये लगता है, मैंने कल एक आज एक बड़े इंस्टीट्यूट के एक ऑनर से आज बात की, सो दिल्ली के नसीम भाई, नसीम मलिक सर, तो मैंने उनसे पूछा था, मैं आईफोन इंस्टीट्यूट भी वो चलाते हैं, अगर आपको आईफोन ज्वाइन करना है तो आप नसीम जी के इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, बिल्कुल खुला देखे, पहली बार होगा कि कोई इंस्टीट्यूट वाला दूसरे इंस्टीट्यूट वाले की वो कर रहा है, मैं तो करता हूँ, मेरे को कम्युनिटी में रहता हूँ, मेरे सभी दोस्त हैं यहाँ पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अगर आईफोन सीखना है तो नसीम सर के इंस्टीट्यूट में जाओ। दूसरा ये कि मैंने उनसे पूछा कि सर कितने एक मिनिमम घंटे आप स्टूडेंट को देते हो प्रैक्टिकल के लिए, सो मैंने उनको जानना था, तो उन्होंने बोला सर 5 घंटे तो मिनिमम देने चाहिए, हालांकि वो उससे ज्यादा देते होंगे, बट हम 5 और हम अगर हम अपनी बात करेंगे तो साहिब सर हम कितने देते हैं आपसे? सर अपना तकरीबन मिनिमम होता है 11 घंटे और मैक्सिमम होता है 15 घंटे। अभी अभी आप ये शब्द बोलोगे यूट्यूब में कोई विश्वास नहीं करेगा आपका। नहीं प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल से प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल 6 घंटे सर, 6 घंटे मिनिमम 6 घंटे तो हमारा रहता है, और जिसमें स्टूडेंट वो करता है जो नया कॉन्टेंट है जो सीखता है, जो डायग्राम जो स्कीमेटिक उसको इंटरनली सिखाते हैं, और वो चीज अपने फोन पे खुद करता है, वो उसके डैड भी होते हैं और चालू फोन भी होते हैं, पर हमारा पहला मेन फोकस होता है उसके चालू फोन पे करवाना, जो फॉल्टी फोन है वो रिपेयर करवाना, और उसके बाद उसकी डायरी की रीडिंग लेना। सही है कि नहीं? सही है, सही है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये वीडियो मेरे उन भाइयों के लिए है जो बूट केबल अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या जो बूट केबल ले लेके थक गए हैं, जिनकी केबलें मुड़ गई हैं, केबल टूट गई है, जैसे मेरे जैसे, देखिए एक महंगी बूट केबल 1000 रुपए की, आपने जैसे ना एडी, तो ये एडी है ना, ये तो ये कितने रुपए की बूट केबल? 1350 की है। अब आप देखिएगा तो ये देखो ये केबल है कैसी कैसी बाहर निकल रही हैं, और इसको किस तरीके से हम चला रहे हैं, सारी चीज तो आप देख ही रहे होंगे। सो हमने सोचा यार अभी बूट केबल ऐसे है ना, कब तक नहीं खरीदते रहेंगे, खराब हो रही है ये, आपके इसके अंदर की पीसीबी कुछ नहीं है, खोल के नॉर्मली है, वायर निकाल के सिर्फ डिसोल्ड करना है, बाकी कॉम्पोनेंट के नाम पे कुछ नहीं लगा हुआ है, तो बेसिकली इसके अंदर भी कुछ नहीं है, इसे भी एक दिखावा है और कुछ नहीं है प्रोटेक्शन के नाम पर। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप ये परचेस नहीं कर पा रहे हैं या आपकी खराब हो जा रही है, आप या फैड अप हो चुके हैं, तो आपको हम एक बूट केबल, देसी बूट केबल बनाना सिखा रहे हैं, देखिए, और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि हम जो बनाएंगे हमारे लिए वो काफी अच्छी होगी, पर अभी तो एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको सिखा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, कुछ पुरानी बेकार बैटरी मैंने यूज में ली है,
फिलहाल मैं तीन बैटरी में आप देख सकते हैं सर, यूजलेस खराब बैटरी, खराब बैटरी है बिल्कुल, ये है ना खराब हो चुकी है, इनका कोई काम नहीं है। दूसरा इनकी हमने ना ये देखो, एक की तो हमने स्ट्रिप निकाल ली है, तो हम एक स्ट्रिप का भी यूज कर लेंगे ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाइए, ये स्ट्रिप तो मैं बहुत पहले से काम कर रहा था, 6 महीने 1 साल पहले से ये सारी चीजें मैं कर रहा था, बट मैंने सोचा चलो वीडियो पे बना देते हैं। सो आप देखिए जैसे इधर दिखाइए, ये देखिए इसकी भी हम स्ट्रिप निकाल लेंगे, और सपोज इसके साथ ये दो स्ट्रिप निकाली हुई है, इसके साथ हम ये करेंगे, मान लीजिए कोई केबल आपकी आधी कटी हुई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये, तो इसको अगर हम काट देते हैं, ये देखिए मान लो आपकी ये कटी हुई है ये, तो अब ये इस तरह की जो आपके कनेक्टर्स है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों फायदा क्या होता है, जैसे अगर आप इस तरह के कनेक्टर यूज करेंगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस तरह के, तो इसमें और इसमें फायदा थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि इसमें आपको एक BMS सर्किट मिल जाएगा ठीक है, बैटरी मैनेजमेंट सर्किट। सो BMS सर्किट क्या होता है, जिसके अंदर आपकी बैट ID और बैट थर्म की लाइन होती है, बैट थर्म जिसके साथ में आपको 100K का एक थर्मिस्टर देखने को मिल जाएगा, और एक आपको बेसिकली प्रोटेक्शन IC मिल जाती है जिसको फ्यूल केज IC कहते हैं। तो यहाँ दिखा दीजिए, सो आप देख सकते हैं ये एक BMS सर्किट है, और BMS सर्किट में अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये एक फ्यूल गेज IC लगी हुई है, और ये देखिए ठीक है, और ये पूरा एक सर्किट है जिसमें एक थर्मिस्टर भी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर है ना बेसिकली प्लस माइनस के लिए दिया हुआ, कुछ ज़्यादा है नहीं है इस सर्किट में, बहुत नॉर्मल है सर्किट, तो हम स्टूडेंट को सिखाते हैं बैटरी कैसे चेक करें, खैर ये क्लास की बात है। सो अभी हम क्या करेंगे, हमें सर्किट का यूज करेंगे, तो हमारा BSI बैट सेंस भी करेगा, सेंस का मतलब ये है आप उसको चार्जिंग में भी लगा लोगे तो चार्ज दिखा देगा एटलीस्ट, और इवन ये है कि कुछ मोबाइल जो होते हैं ना जो BSI के बिना चालू नहीं होते, तो वो इसमें ये चालू हो जाएंगे, हो सकते हैं, मन में ये नहीं कह सकता कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, ये तो आपको खुद करना पड़ेगा। दूसरा आप अगर ये यूज करोगे, दिखाइए अगर आप ये यूज करोगे खाली पत्ता, तो इसमें ना आपको प्लस माइनस से भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फिर वो बैट आईडी और बैट थर्म की लाइन बिल्कुल इसमें कटी हुई है। चलिए सो अभी हमने क्या किया है, सो देखो एक दो ये और एक ये बेसिकली, तो ये देखो तीन, तो फिलहाल तीन की केबल हम बनाते हैं, और इसके लिए हमने देखो तीन वायर ले लिए, आप इससे अच्छी क्वालिटी के वायर भी ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया जो मेरे पास अभी है मैं उसमें बना रहा हूँ, हालांकि मैं जो अपने लिए बनाऊंगा वो काफी अच्छी क्वालिटी के वायर होंगे। ये वायर जनरली कितने रुपए के आ जाएंगे बाहर सर, वो सस्ता वायर है ये तो 5-10 रुपए का, 10 रुपए में इनफ आ जाएगा, 5 रुपए 3 रुपए 7 रुपए 8 रुपए पर स्क्वायर फीट मिल जाते हैं ना, बराबर मीटर या स्क्वायर फीट। सो आप देखिए, तो आपने ना देखो हमने तीन लाइन के हिसाब से वायर काटा हुआ है, तो हम इसको इसमें जोड़ेंगे, और प्लस यहाँ पे दिखाइए, और DC केबल में हमने यहाँ पर देखो ये वायर यहाँ से इस तरह से राउंड करके ठीक है, ये दो वायर निकाल लिए हैं, ये आप देख सकते हैं, और ये दो वायर निकाले हैं, तो इस वायरों को हम जोड़ देंगे। अब यहाँ दिखाइए जी, तो ये देखिए, तो ये हमारा ऊपर दिखाइए DC, ये देखिए, तो ये हमारी DC कनेक्ट हो रही है ठीक है। सो हालांकि हम इसमें प्रोटेक्शन नहीं है, तो हम चाहें तो इसमें प्रोटेक्शन भी बना सकते हैं, पर यार इतना सब कुछ जब आप बाईपास कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं तो क्या जरूरत है प्लस माइनस हमारी बूट केबल हो जाए। सो अब हम क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले पहली केबल को हम ज्वाइंट करेंगे,
तो मेरे भाइयों, ये हमारी बन गई। यहाँ देखा, ये देखो, देखा। तो मेरे भाइयों, तो ये हमारी बन गई बूट केबल, हैंडमेड बूट केबल, एक सो कॉल्ड वायर के साथ, जो हमने यहीं कहीं से उठाए हैं, पता नहीं कहाँ नीचे पड़े हुए थे। और अब ये भी देख लेते हैं कि झेल सकते हैं कि नहीं सकते, क्योंकि नहीं तो फिर हम इसमें मोटा वायर लगाएंगे। तो हमारे पास एक सेट है नोट 6 प्रो, तो वो हम सेट हम मांगेंगे सर से। सर, सेट हैंड ओवर करो। तो इस सेट की इमेंसी भी बनाई है हमने, तो ये सेट पहले दिखा देते हैं। ये देखिए, देखिए बैटरी से चालू हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम उतारते हैं, पहले इसका केन उतार लें, ये उतार लें, सिम निकाल लें। सिम निकाली और सेट को ओपन कर लिया। नाखून टेक्नीशियंस बढ़ाते हैं अपने, पर जनरली अगर नाखून नहीं है तो वो इसके साथ भी खोल सकते हैं, ये ओपनर होता है, ठीक है। और ध्यान से खोलिएगा, क्योंकि ऐसे में आपका ये फिंगरप्रिंट कनेक्टर ये डैमेज हो सकता है। ये देखिए, तो ये इसकी बैटरी, और इसको भी रिमूव कर देते हैं हम। बहुत इजीली रिमूव हो जाती है बैटरियाँ, बैटरियों का रिमूव करने का कोई फंडा नहीं है, नॉर्मल है। थोड़ा सा थिनर लगाएंगे आसपास, अंदर डालना नहीं। तो देखिए, सीधी सीधी आपकी बैटरी निकल जाएगी, कुछ सेकंड में निकाल दी है ना। अब ये देखो, ये बैटरी यहाँ रख दी। अब इस सेट को ऑन करेंगे हम अपनी बूट केबल से। इधर दिखाइए, तो यहाँ पर ये देखिए, अभी तो बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं ले रहा है ये, कहीं केबल आपस में टच नहीं कर रही है। एक केबल हमने यहाँ लगा दी, एक केबल यहाँ लगा दी, यहाँ दिखाइए। तो अब इसमें जो बैटरी यूज़ होगी, पहले बैटरी को दिखा देता हूँ। ये देखिए बैटरी का केबल, देखिए ये वाला केबल यूज़ होगा। ये ज़्यादातर ये केबल है ना, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोबाइल में यूज़ होने वाला रेडमी और वीवो और ख़ास तौर पे ओप्पो के मोबाइलों में यही केबल आता है, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे हमारे पास में BMS सर्किट में पहले केबल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो ये केबल तो नहीं है, ये जैसे Redmi Note 4 या Samsung के PC में यूज़ होते हैं। दूसरे हम इसमें देखेंगे, ये देखो ये हमारे पास वांटेड मिल गया, और ये हमारे पास एक और है जो हमने इसी का निकाला था। सो देखो, वांटेड हमारे पास दोनों है, एक BMS के साथ और एक विदाउट BMS के साथ। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हम आपको करके दिखा रहे हैं। आप देखिए, हमने यहाँ पे एक दूसरी जो इसमें हमने कनेक्टर लगाया था वो हमने चेंज कर दिया है। ये देखिए, पहले हमने ये लगाया था, फिर हमने ये चेंज कर दिया। ये रीजन क्यों? क्योंकि ये खराब था, और ये हमने चेक किया था बाद में वीडियो के दौरान ही, पर हमने इसको वीडियो में नहीं लिया। इतना सब कुछ बूट केबल बना दिया, प्रैक्टिकल करने की बारी है, क्या बोलते हो मोहम्मद सर? बिल्कुल, ये वीडियो तो यार हर जगह डले है, बट इसमें क्या खास है यार? बिल्कुल, ये खास है। आप ओरिजिनल बैटरी से कम लागत पे 10 रुपए में जो आपके पास फालतू चीज पड़ी है, उससे आप क्या बना रहे हो? एक बूट केबल बना रहे हो, और बूट केबल वो भी OG क्वालिटी की सर। हाँ जी, और विथ BSI सर्किट के। बट यार वही तो बात है, खास क्या है इस वीडियो में? देखो, इस वीडियो में खास दिखाता हूँ नॉलेज। इस वीडियो में आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो आप देखो, इस वीडियो में पहला एक BMS सर्किट के साथ है। ये देखो, ये है ना, ये वाली केबल यहां से दिखाओ, यहां से दिखा दो। ये देखो, ये केबल है ना, आपको BMS सर्किट में मिलेगी। BMS मतलब यहाँ पर पूरा बैट ID और फ्यूल गेज सब कुछ इसमें कनेक्टेड है, और इसमें ये केबल बिल्कुल सही है। दूसरी आपको ये जो मिलेगी, ये भी देखो, ये BMS सर्किट के साथ है। दूसरी आपको एक मिलेगी जो डायरेक्ट होगी। ये देखो, ये वाली केबल हमने डायरेक्ट दिखाई है, दिखाइए जरा सर यहाँ पर। ये देखो, ये केबल हमने यहाँ पर डायरेक्ट की हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये दूसरा जम्पर टूट गया, नहीं उससे कोई जरूरत नहीं, आ रहा है वहां पे, आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है। सो दूसरी ये हमने यहाँ पे डायरेक्ट दिखाई हुई है। ये देखो, यहाँ से हमने प्लस से या डायरेक्ट यहाँ पे ले लिया है, ये हमारा प्लस है। सो बेसिकली हमारा डायरेक्ट हो चुका है। तो आप देखो, एक केबल हमारे पास जो कि डायरेक्ट है, मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं, दिखाइए। जैसे मैंने अभी से पहले बताया था कि मैंने इस पे जम्पर लिया था, अभी हालांकि निकाल लिया, कि हम डायरेक्ट इसको अगर लेके हम करते हैं तो हमारे मोबाइल हो सकता है कि चालू हो जाए,
कुछ मोबाइल हो सकता है चालू हो जाए, पर कुछ मोबाइल हो सकता है कि चालू ना हो, एक फर्स्ट लोगो या सेकंड लोगो आने पर वो बूट फिर से रीस्टार्ट कर दे। तो चलो इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ना डायरेक्ट वाली केबल लगाता हूँ। ये देखिए नोट 6 प्रो है, ये हमारे को बनने आया है कि ये हाई बूटिंग ले रहा है, मतलब ये कस्टमर कह रहा है कि गर्म हो रहा है, तो हमारे लिए तो हाई बूटिंग ही होगा क्योंकि सेट चालू है। तो सबसे पहले यहाँ दिखाइए, ये देखिए हमने हमारा बूट केबल यूज कर रहे हैं प्योर तरीके से। ये देखिए अब हम मैं इसको पावर की दबाऊंगा। ये देखिए तो ये मेरा सेट ऑन हो गया, और ये तो हाई बूटिंग लेगा दोस्तों, इस पे मत जाना क्योंकि सेट में ही फॉल्ट है, अभी इसको बनाना है बाद में। बट अभी हम इसको पूरा प्रॉपरली ऑन कर लें क्योंकि ऑन हो रहा है सेट। बट अभी आप देखो तो ये देखो ये हाई बूटिंग पे जा रहा है और कस्टमर कह रहा है सेट मेरा गर्म हो रहा है, तो रीजन यही है कि इतने एम्पियर पे जा रहा है। खैर अभी हम देखेंगे कि हमारा सेट प्रॉपरली ऑन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने डायरेक्ट लगाया हुआ है, हमने कोई BMS सर्किट यूज नहीं किया है, हमने सीधे प्लस माइनस दे दिया है एक तरीके से। और देखिए यहाँ पे सेकंड लोगो आ गया, तो आप देख सकते हैं सेकंड लोगो भी आ गया। आप हमारे इंस्टीट्यूट के वीडियो देखिए, प्रैक्टिकली फेसबुक पर जाइए और वॉच कीजिए, फेसबुक पर लिखिए एसर टेलीकॉम, आपको मिल जाएगा। सो आप देख सकते हैं, मैं आपको देखो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर जल्दबाजी करेंगे, बैटरी कनेक्टर को तोड़ तोड़ के लगाएंगे तो हो सकता है कि बहुत से मोबाइल चालू ना हो, तो इसलिए ज़्यादातर यूज़ करो, मतलब बैटरी आपकी फूल गई है तो आप पूरा BMS सर्किट यूज़ कर लो। बैटरी खराब हो गई है ना, कई बार बहुत सी बैटरियाँ आपके पास पड़ी होंगी। ये देखो सेकेंड लोगो, देखो रीस्टार्ट हो गया सेट, बंद हो गया सेट अपने आप। और आप अगर मैं यहाँ पे आप सोचेंगे स्लीप मोड पे गया होगा, तो वो स्लीप मोड पे नहीं है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए तो ये देखो ये सेट हमारा बंद हो गया है। अब इसको हमको देखो, ये हमारी बूटिंग देखेंगे तो 0-0 आ गई बूटिंग, ठीक है, मतलब सेट हमारा रीस्टार्ट हो रहा है। अब इसको हम BMS सर्किट के साथ लगाते हैं। ये देखिए ये BMS सर्किट है इसमें, और आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा कि, और है वही हमारी नॉर्मल बूट केबल, हैंडमेड हैंडमेड 10 रुपए वाली बूट केबल। देखिए सेकेंड लोगो इसमें भी आ गया, अगर आप मुझे इसका वीडियो चाहते हैं कि सर इसका वीडियो बनाओ कि ये नॉर्मल बूटिंग करवाओ, तो मुझे कमेंट करो, और मुझे कम से कम 100 कमेंट चाहिए कि सर मुझे नेक्स्ट वीडियो नोट 6 प्रो का चाहिए, 100 कमेंट्स अगर जितने हो सकते हैं, इसलिए शेयर करो, मैं बना दूंगा, मैं अगली रात में जग के बना दूंगा। मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं बना दूंगा, बाकी ये छोटा सा है। ये देखिए यहां मेरा सेट ऑन हो गया, देखिए साहिर सर। तो सर इसे क्या आपको लग, ये देखिए यहाँ पे मेरा सेट ऑन हो गया, तो सर इसे आपको क्या समझ में आया साहिर सर? इससे ये समझ में आया है कि आपके पास अगर दोनों BSI की लाइन और ये पूरी कंप्लीट होना चाहिए, बहुत से हैंडसेट में होना चाहिए, और बहुत से हैंडसेट में अगर नहीं भी होगी तो भी आपका काम चल जाएगा। डिटेल में जानना है आपको कि मतलब कौन से सर्किट से आपका चालू प्लस माइनस से चालू हो जाएगा, कौन से में थर्मल और ID की जरूरत लगेगी आपको, तो उसके लिए आपको एशिया टेलीकॉम देवरतन अग्रवाल सर से BSI और BTHRM की क्लास लेना पड़ेगी। मार्केटिंग नहीं, मार्केटिंग नहीं, देखो जो क्लास लेंगे वो तो लेंगे, इधर दिखाइए। देखो तो यहाँ पर समझ में ये आया कि मेरे भाई
ये जो सर्किट है ये BMS सर्किट के साथ है, जिसमें हमने बैट ID और सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, और ये जो सर्किट है ये डायरेक्ट सर्किट है जिसमें हमने जंपर मारा हुआ है और डायरेक्ट हमने सर्किट लिया है। सीधी सी बात ये है कि बहुत से लोग बोलते हैं DC मशीन से हमारा सेट ऑन नहीं होता, बैटरी लगाने पर ऑन हो जाता है, तो बैटरी में ऐसा क्या है? प्लस माइनस तो बैटरी से भी दे रहे हैं, तो DC से जो प्लस माइनस दे रहे हैं वो बैटरी से भी प्लस माइनस दे रहे हैं, तो बैटरी में ऐसा क्या है? सो बैटरी में आपका बेसिकली BMS सर्किट होता है, जैसे उसमें बैट ID और बैट टर्न की लाइन होती है। सो बैट ID एक बैट सेंस लाइन होती है, तो जब तक वो सेंस नहीं करती है तब तक आपका फोन, क्योंकि उसमें है ना डिवाइडर रजिस्टर्स लगे होते हैं, अब आपके कुछ रजिस्टर जो आपके PCB बोर्ड में लगे हैं वही आपके बैट ID की लाइन पे पैलर में 10K का रजिस्टर लगा होता है, और जब ये सर्किट मिलता है तो ये डिवाइडर बन जाता है और इसकी वजह से सेंस हो जाता है। सेंस मतलब कुछ वोल्टेज के साथ सेंस हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आपने चार्जर या फिर बैटरी लगाई होगी तो आपके जो बैट ID उस पर वोल्टेज बने होंगे, और वो वोल्टेज जो बनते हैं 0.8-0.91 वोल्टेज, तो जो भी वोल्टेज जो बनते हैं ये वोल्टेज कैसे बनते हैं, ये डिवाइडर सर्किट के सेंस के वजह से बनते हैं, और इसलिए बैटरी का लगा होना, बैटरी का सही होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आई थिंक ये आप समझ गए होंगे कि BMS सर्किट होगा तो आपका सेट कोई भी हो चालू हो जाएगा, पर अगर BMS सर्किट नहीं होगा और अगर आप डायरेक्ट यूज करेंगे तो आपका सेट हो सकता है चालू ना भी हो सकता है लोगों पर आए, हो सकता है लोगों से रीस्टार्ट कर जाए। सो वीडियो कैसा लगा बताएगा जरूर, और वीडियो में आपको जानकारी दी है और बोला था बूट केबल के लिए जानकारी दूंगा, और भी बहुत सारी आपको ऐसी जानकारी वीडियो मिलते रहेंगे। यार वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, पहले सब्सक्राइब करो फिर सब्सक्राइब करो, उसके बाद बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू मिस्टर, अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं।